जी शेख, मैंने ये पूछना था कि पर्दे के मुतलका जो है, औरत का जो पर्दा है जी ये उसका मुंह ढांपना जरूरी है? जी औरत चेहरे का, के जी औरत का अजनबी मर्दों के सामने पूरे जिस्म का ढांपना जरूरी है, पूरे जिस्म का, इसमें कोई भी इस्तिस्ना नहीं है। कुरान की जो आयत है, आप उस आयत पर गौर करें, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जी अपने पूरे जिस्म को ढापना है, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, एक्सेप्शन क्या है, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, बगैर कस्द और इरादे के जो जाहिर हो जाए, सिर्फ उसी की इजाजत है, बगैर कस्द। और देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा इल्ला मा अधरत मिन्हा, कि जो औरत जाहिर कर दे, जो जाहिर हो जाए, यानी औरत के बगैर कस्द के अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा दिख जा रहा है तो इसकी ये माफू अनहो है, बाकी औरत के पूरे जिस्म का पर्दा है, सर से लेकर के पांव तक का, अजनबियों के सामने, जिसमें चेहरा बदरजे औला दाखिल है, चेहरा बदरजे औला दाखिल है, क्योंकि चेहरा ही तो सारी, वहीं से तो सारी खराबियां शुरू होती हैं, तो उसका पर्दा कैसे नहीं वाजिब होगा? जी जी जी